कंस्ट्रक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का अपडेट। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन का 519 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि गोरखपुर और सिलीगुड़ी को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। साथ ही बिहार में 416 किलोमीटर ये स्ट्रेच होगा, बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज के रास्ते ये सिलीगुड़ी में जुड़ जाएगा। जो वर्तमान में आप ये मैप में देख सकते हैं, लगभग 14 घंटा लग जाता है और इस डिस्टेंस को कम करने के लिए ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और इसके बाद यह एक्सप्रेसवे से होकर के 6 से 7 घंटे में सिलीगुड़ी से गोरखपुर पहुंच चुकेंगे और वहां से दिल्ली तक का रास्ता आसान हो जाएगा। गोरखपुर से शामली, शामली से अम्बाला तक का भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे नॉर्थ और ईस्ट दोनों में आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसका DPR बन कर के तैयार हो चुका है और लैंड सर्वे का मार्किंग भी चालू हो चुका है, जो इस वीडियो में देख सकते हैं। और यह पूरा सीधा बनाया जाएगा, वो इस मैप में देख सकते हैं आप, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जिससे वेस्ट बंगाल, बिहार और UP तीनों राज्य की बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह बिहार के कम विकसित जिलों से होकर के गुजरेगा, जिससे कि वहाँ की लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और काफ़ी सुविधाजनक लोगों को होगा कि वह दिल्ली, अम्बाला ये सारी जगह से बेहतर कनेक्टेड हो जाएंगे और कम समय में यह डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, जिससे समय की बचत होगी, GDP बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। 25,162 करोड़ की लागत से यह लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, जिसमें 2731 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर किया जाएगा और 70 मीटर चौड़ाई में ये पूरा ज़मीन एक्वायर किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर में चालू हो चुका है और बिहार में सर्वे का काम चालू हो गया है। यह एक्सप्रेसवे कई सारी नदियों को क्रॉस करेगा बिहार में, जो कि है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा रिवर। इन सभी नदियों पर 6 लेन का ब्रिजेस बनाया जाएगा और सबसे लंबा ब्रिज कोसी नदी पर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उस पर बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी और आर्म फोर्स जल्दी से वहां पहुंच पाएंगे आपातकालीन की स्थिति पर। और ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे भी कहा जा सकता है। इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में इसका लैंड एक्विजिशन चालू हो चुका है और बिहार में चालू होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा था 2025-26 तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। बिहार में और कई सारे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें पहला है आमस दरभंगा, दूसरा वाराणसी कोलकाता, तीसरा पटना कोलकाता और रक्सौल हल्दिया। ये सारे एक्सप्रेसवे बिहार में बन रहे हैं और बिहार भी एक्सप्रेसवे प्रदेश बन जाएगा इस सारे एक्सप्रेसवे बनने से। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।